कैंट थाना क्षेत्र के चाड़कपुरी कॉलोनी में गिरिजा त्रिपाठी द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम पहुंचकर जिलाधिकारी व एसएसपी ने आश्रम के कर्मचारियों से पूछताछ की। वृद्ध आश्रम में देर रात भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने छापा मारा था, लेकिन उस समय आश्रम के संचालकों ने देवरिया से लाई गई लड़की को कहीं छुपा दिया था। आश्रम में लड़की बरामद होने के बाद शाम को डीएम वृद्ध आश्रम पहुंचे और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता दें कि देवरिया के बालिका गृह से 5 तारीख को लाई गई लड़की, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, गोरखपुर वृद्ध आश्रम में मिली है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन संचालकों की गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि लड़की से पूछताछ की जा रही है तथा 4 वृद्ध महिलाओं के साथ रजिस्टर में एंट्री मिली है, जो लीगल नहीं है क्योंकि ये वृद्ध आश्रम है। उन्होंने बताया कि लड़की से मेडिको लीगल के बाद और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल वृद्ध आश्रम को सील करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। भैया पीछे आइए, रसा दिया। हेलो, चलो आप लोग तो अभी आए हो, चलो यहां तुम्हारे दूसरे वही लिखवा लीजिए। तो पानी है क्या बात है? शिफ्ट हो रहे भैया, किसी के लिवा जा रहा है, कहीं लिख जाएंगे। चलो लिया, चलो घर तो यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के द्वारा जो है एक वृद्ध महिला आश्रम इनके द्वारा संचालित किया जा रहा था, और ये संस्था 23 जून 2017 से जो है इसकी जो मान्यता था वो जो है संबंधित जो विभाग है उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के द्वारा इसकी मान्यता को स्थगित कर दिया था। और यहाँ पे जब निरीक्षण किया गया था तो 4 महिलाएं मिली थीं, वृद्ध महिलाएं जो कि यहाँ पे थीं, तो इनको आज चारों महिलाओं को यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है, जो सरकारी अनुदान के तौर पर समाज कल्याण विभाग के तरफ से जो संचालित संस्था है वहाँ पे उनको शिफ्ट करा दिया गया है। बाकी जो है इनका जो सब कमरे हैं ये सब हम लोग इसको सील की कार्रवाई कर रहे हैं। और एक और बात आई है कि जो है एक बच्ची जो है करीब 21-22 वर्ष की बच्ची है, वो जो देवरिया का जो आपका शरणालय बाल गृह है उस वो बच्ची यहाँ पे मिली है, तो इस वजह से पूरी हम लोग सील कर दे रहे हैं और इसको हस्तगत कर देंगे पूरी जो है चाबी पुलिस विभाग को। बच्ची क्या बता रही है? बच्ची से भी बातचीत हुई है लेकिन अभी ठीक प्रकार सूचना नहीं बता पा रही, इतना बता पा रही कि 5 तारीख को यहाँ आई है, बाकी उससे हम लोग पूछेंगे अलग से बैठा कर लेडीज। हाँ, पूरी तरीके से जो 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 अभी पूरी तरीके से थोड़ा नहीं बता पा रही है, पूछताछ हो रही है लेकिन इतना बता रही है कि देवरिया से 5 तारीख को यहाँ पे आई थी। एम्प्लॉइज कितने काम कर रहे हैं? जितने एंट्री थी जितने महिलाओं की अवेलेबल थी वो एंट्री में सब लोग बराबर मिले हैं कि कुछ कम भी पाए गए जो इनके पास रजिस्टर था? रजिस्टर में महिलाओं की 5 जो है वृद्ध की है और 4 वृद्ध की है, 5वां ये है, दो मतलब 5 एंट्री है इनके जो रजिस्टर है तो 5 एंट्री है। हालांकि जो है जो 5वां जो एंट्री किए हैं वो इनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये जो है वृद्ध आश्रम है और उसका उम्र अभी जो है कम है, 20-21 साल की होगी लगभग, तो उसमें इनको रखना भी नहीं चाहिए था। फिलहाल हम उसको पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे। इनके 2 कार्मिक हैं, दोनों अभी हैं साथ में हैं जो है दोनों हम लोग। बेटी यहाँ बताई जा रही है? हाँ, जो भी संचालक हैं सब अपने उसमें हैं। लेकिन एक और बात है कि वो बेटी सरकारी नौकरी में प्रोबेशन डिपार्टमेंट में वो जो है लिपिक सहायक के पद पे काम करती है,
इसको चला सकती है क्या, दोनों नौकरी कर सकती है एक साथ? अभी ये संज्ञान में नहीं आया है, वो भी देख लेते हैं कहाँ पे है, गोरखपुर जनपद में है या किसी। गोरखपुर जनपद में है, मैं पुलिस से मिला हूँ, मैं देखा उसको बैठ के सुबह में काम करते हुए ऑफिस में, प्रोबेशन अधिकारी वहाँ मौजूद थे और वो उनकी बेटी है कनकलता। ठीक है, वो भी देख लेंगे क्योंकि प्रोबेशन अधिकारी यहाँ पे है, देख लेते हैं। कनकलता से आपकी बात हुई? अभी नहीं बात हुई मेरी। ठीक है, अंदर जो महिला मिली वो कौन सी महिला? जो काम करने वाली महिला जो थी। हाँ, उनसे बात किया, रात में भी बात हुई थी, बात हुई है उनसे। ठीक है ना, देखिए आप जानते हैं कल देवरी के घटना के बारे में, माँ वैष्णो देवी के नाम से वहाँ आश्रम चलती थी। हम लोग का शाम को कल खबर मिली थी, यहाँ भी उनका वृद्धाश्रम पहले चलता था। उसके बाद रात को 7 बजे हम लोग ADM पूरा टीम भेजे थे, उस समय में यहाँ जो चार वृद्धा लोग मिले थे और एक मुखबदर महिला भी मिली थी, उन लोगों का तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए तो हम लोग मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिए। आज सवेरे जो फिर सील करने के लिए हमारे ADM साहब वो लोग आए थे, तब और एक सविता करके एक लड़की वो भी मिली थी, और तब पूछताछ हम लोग चालू किए हैं। तब पता चला जो वहाँ देवरिया में भी वो मिसिंग थी लड़की, जो उसी डायरी के हिसाब से। उसके बाद देवरिया जो वहाँ पुलिस प्रशासन को हम लोग सूचना दे दिए, फिर यहाँ जो बिल्डिंग में कितने कमरा सबको सील करा दी गई, पूरा सील करके यहाँ जो कितने महिला है सब लोग का हम लोग उनको देवरिया जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन लोग का हैंड ओवर करा रहे हैं। छिपाया गया था लड़की को? कल जो ऑफिसर आए थे उस समय में नहीं थे, ये जो सारे कमरा देखे थे उस पर एडिशनल SP साहब भी थे, ADM साहब थे और SDM साहब भी थे, उस समय में नहीं थी वो लड़की। और यहाँ जो यहाँ रजिस्टर जो इन आउट रजिस्टर उस पर भी ओवर राइटिंग था उस पर, ताकि जो कल वो रजिस्टर चेक किए थे उस पर नहीं था नाम, आज तो उनका नाम था। फिर डेट और टाइम भी अलग बीच में मतलब जुड़ाया गया है, अलग रंग का इंक का उसको भी जी। अब देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में लग रही है जो ये लड़की मतलब उसी दिन ही आई थी वहाँ, अब उसके बाद फिर बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बता देगी जो। कितनी उम्र है और क्या? हाँ, ये सारे होगा इसके बाद सब कितने लोग हैं सबके। सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन को लगातार ये आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आपने इन्होंने रीराइट किया उसके ऊपर आप बता रहे रजिस्टर में थी तो क्या, और दूसरी बात ये कि जो लड़की एक अंदर है वो गिरिजा त्रिपाठी की बेटी है। हाँ, और वो प्रोबेशन ऑफिस में काम कर रही थी 2012-13 से, उनको हटाया गया है। कार्रवाई बनती है? ना, उनको हटाया गया है फर्दर, ये जो इन्वेस्टिगेशन में इनको भी सुपुर्दगी में दे रहे हैं हम पुलिस को, ऐसे नहीं किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, किसको नहीं बख्शा रहे हैं हम लोग। एक तरह सर अरेस्ट माना जाए जितने भी यहाँ संचालन। हाँ, सबको सुपुर्दगी में दे रहे हैं। यस यस, कितने लोग हैं कुल टोटल? अभी 5 लोग हैं, अभी जो कितने जो संचालन इतने लोग हैं 5 लोग हैं अभी इस समय वर्तमान समय में। यहाँ सील किया जा रहा है इसको? सील किया जा रहा है, बिल्डिंग सील करके जो कितने संपत्ति है सब चीज़ हम लोग देवरिया जो पुलिस प्रशासन को हैंड ओवर करेंगे, अभी तो वो भी रास्ता पे है, और बाकी महिला का भी सुपुर्दगी में देंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उनको भी इसलिए तो जोड़ दिए हैं, जो उनको भी हम लोग अभी तो अरेस्ट करके तो सुपुर्दगी में दे रहे हैं, किसी को उनको भी अंकित को भी, अंकित है, कनकलता है और रसोईया है, और एक जो बुजुर्ग महिला है जो लेके आई थी उनका, और इनका सविता करके लड़की है, मतलब टोटल 5 लोग हैं, सबको हम सबूर्दगी में दे रहे हैं, किसी को नहीं बचा। जी जी,